हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, थंबनेल जो है वो हमारी जिंदगी में हमारे यूट्यूब में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यूट्यूब का जो करियर है वो थंबनेल से शुरू होता है। थंबनेल से क्यों शुरू होता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, हम जानते हैं कि अगर जो हमारा थंबनेल है वो अट्रैक्टिव रहेगा, वो लोगों को पसंद आएगा, तभी वो उस वीडियो को क्लिक करते हैं और अंदर आते हैं। और जो है, बिना थंबनेल का वीडियो तो कोई देखता तक नहीं है। तो दोस्तों, थंबनेल कैसे सेट करें, कहां से सेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि थंबनेल से ही, जैसा मैंने बताया कि लोग वीडियो में आते हैं, उसे देखते हैं, और देखने के बाद हो सकता है कि अगर आपका वीडियो उनको पसंद आ जाता है तो वो क्या करते हैं, उसे लाइक करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं और उसे शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, और लोग उसको देख के अगर उन्हें भी वही पसंद आ जाता है तो वो उन्हें फिर शेयर करते हैं। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं एक थंबनेल की मदद से। लेकिन हम में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो जब नए नए YouTube में घुस जाते हैं तो उन्हें पता भी नहीं होता है कि यार थंबनेल लगाना होता है, और थंबनेल लगाना होता है तरीका नहीं पता होता है कि कैसे लगाते हैं। किसी को ये नहीं पता होता है कि यार थंबनेल कहां से बहुत ही इजीली बनाया जाता है। किसी को ये नहीं पता होता है कि यार अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनता है। तो दोस्तों, मैं भी कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूं, मुझे भी इतना अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना नहीं आता है। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में YouTube पे आया था तो मुझे पता नहीं था यार थंबनेल की कोई चीज होती है, किसी चिड़िया का नाम है और उसे लगाना होता है। तो थंबनेल कैसे बनाते हैं, उसके लिए एप्लीकेशंस क्या क्या जरूरत होती है, वो मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो अब भी आई बटन क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो नजर आ जाएगा, आप देख लीजिए। और वहां से सीखने के बाद जो है, आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप थंबनेल को लगा सकते हैं, किस एप्लीकेशन की मदद से लगा सकते हैं। तो हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एड इज एम्पायर में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कर दे यार और बजा दे बैल, क्योंकि यहां पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहते हैं। और दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो दोस्तों देखिए, थंबनेल लगाना जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इजी होता है। उसके लिए कोई खास हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको एक अट्रैक्टिव सा थंबनेल बना लेना है किसी एप्लीकेशन की मदद से। किस एप्लीकेशन की मदद से बनाना है, अगर ये आपको जानना है, जो बहुत ज्यादा ईजी होता है, वो एप्लीकेशन जो है उसके बारे में मैंने बता रखा है। आप अब भी आई बटन को दबाइए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप देखिए, उसके बाद उसको ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, जिस एप्लीकेशन से आपको थंबनेल को लगाना है अपने वीडियो पर, वो एप्लीकेशन है YT Studio। जी हाँ दोस्तों, YT Studio, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से उसे डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो YT Studio खोलना है, और YT Studio खोलने के बाद देखिए, आपका जो वीडियो है जो अपलोड हो रहा है वो वहाँ पर नजर आएगा। तो जो वीडियो नजर आएगा आप उसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखिए, कुछ इस तरह का खुल करके आएगा। वहाँ में आपका, जब आप उसको अपलोड कर रहे होंगे, आपको देखिए तभी जो थंबनेल है उसको लगा लेना जब आप वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। अपलोड करते करते ही लगा लीजिए, बेटर रहेगा। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ इस तरह का खुल करके आएगा, लेकिन आप हमें देखिएगा, ये जो थंबनेल इस पे लगा हुआ है वो थंबनेल उसको उसमें आपको नज़र नहीं आने वाला है। तो जो थंबनेल है इसके ऊपर देखिए एक पेन का जो है वो शेप बना हुआ है, आपको उसे क्लिक करना है। जो पेन का जो ऑप्शन बना हुआ है उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए कुछ इस तरह का खुल करके आएगा, और उसके बीच में देखिए वहाँ में एडिट थंबनेल लिखा हुआ है, तो आपको एडिट थंबनेल में क्लिक करना है। तो जब आप एडिट थंबनेल में क्लिक करेंगे तो उसके बाद जहाँ पर आपका चेंज जो लिखा हुआ है, नीचे देखिए चेंज लिखा हुआ है, उस चेंज पे आपको क्लिक करना है। बहुत सारे थंबनेल्स आपको नज़र आएंगे, आपको जो थंबनेल वहाँ में सेट करना है उसको लगा लीजिए। तो जैसे मेरा ये है तो मैं इसी को दोबारा से लगा लेता हूँ। उसके बाद ये हो गया है, उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद मुझे क्या करना है, इसे सेव का जो ऑप्शन है, सेव के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो देखिए इस तरह से आपका बहुत ही इजीली जो है आपका थंबनेल सेव हो जाता है। थंबनेल सेव हो गया, उसके बाद देखिए जब आपको डिस्क्रिप्शन या टाइटल लिखना है, वो भी काम आप इसी से कर सकते हैं। आपको सेम प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, पेन में जाइए जहाँ पे पेन मार्क हुआ है, उसके बाद टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जो भी आपका टैग्स वगैरह है, जो भी आप सेट करना चाहते हैं तो इसी में आप कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप इसके हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस पर लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, और इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों।
तो अभी जाता हूं दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कर दे और बजा दे बैल, क्योंकि यहां पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय।